नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का मैं अपने खास कार्यक्रम में दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, दिन में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, उपराष्ट्रपति ने कैसे महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कर दी। उस तुलना पर भी हमने विवेचना की थी कि वह तुलना प्रधानमंत्री मोदी और महात्मा गांधी दो अलग अलग और अलग अलग समय पर अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले नेता थे और दोनों का ही कालखंड बिल्कुल अलग था। तो अपने अपने कालखंड में काम करने की अपनी अपनी चुनौतियां हैं और गांधी बन पाना भी गांधी के देश में आसान नहीं है। उस समय हमने गांधी और मोदी कि आपसी तुलना में जो कमियां गांधी की तरफ बेहतर है, जो कमियां मोदी की तरफ दिखती हैं, उस पर हमने आपका ध्यान दिलाया था। गांधी की सोच बताई थी, गांधी होते तो आज का भारत, आज के भारत की परेशानियों का हल कैसे होता, ये बताया था। अब दर्शकों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो कांग्रेस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर पीली पड़ गई है, उसी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान एक राष्ट्रपति हुआ करते थे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, उन्होंने किस तरीके से फॉरेन एम्बेसडर होते हुए, आईएफएस ऑफिसर होते हुए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था, वो अब बात करने का समय आ गया है। माफ कीजिएगा दर्शकों, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, उम्मीद करता हूं आप सहयोग करेंगे। तो कल उपराष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद से कांग्रेस को मिर्ची लग गई। हालांकि कांग्रेस ने भी गांधी को कभी पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया। अगर कांग्रेस ने गांधी को फॉलो किया होता तो कांग्रेस जो आज आप देख रहे हैं वो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व में ही नहीं होती, क्योंकि गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का काम सिर्फ देश को आज़ादी दिलाने भर का है। कांग्रेस को देश को आज़ादी मिल गई, अब कांग्रेस को निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के भीतर कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों ने कांग्रेस को निरस्त नहीं होने दिया और गांधी के सोच विचार आदर्शों को धता बता दिया। लेकिन तो दोनों ही तरफ के लोग ऐसे हैं। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बातों पर जिस कांग्रेस को मिर्ची लग रही है, वह कांग्रेस अपने भीतर अपने कार्यकाल के दौरान हुए उपराष्ट्रपति के बयानों कामों को नहीं देख पा रही। एक बड़ा मशहूर शेर है कि आईना निकालिए तो पहले खुद देखिए और फिर दूसरे को दिखाइए। लेकिन कांग्रेस पहले दूसरे को दिखाती है और फिर उस आईने बक्से में बंद कर देती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष करार दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष थे, लेकिन पीएम मोदी मौजूदा शताब्दी के युग पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का इस्तेमाल करके हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, वहीं भारत के सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें प्रगति के उस रास्ते पर ले गए हैं जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे। इसमें गलत क्या कहा? आप बताइए दर्शकों, एक आदमी की महानता को इसलिए नकार दिया जाए कि दूसरे आदमी की महानता कम हो जाएगी। एक आदमी ने अपनी मेहनत से जब महानता की लंबी लकीर खींच दी है तो उसको मानने में अपनाने में किसी तरह की किसी को दिक्कत क्या है? नरेंद्र मोदी ना सिर्फ लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करके बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और देश के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं पिछले कई सर्वों में, वहीं इसके बाद हामिद अंसारी को भी लोग याद करने लगे। आखिर क्यों, वो बताता हूं। हामिद अंसारी जो 10 वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, देश में इतना कुछ मिलने के बावजूद उनका रुख इस्लामिक कट्टरपंथियों वाला रहा है। एक महिला यूजर ने याद दिलाया
कि राहुल गांधी के जो चमचे जगदीप धनखड़ के बयान से आक्रोशित हो रहे हैं उन्हें हामिद अंसारी पसंद हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, जिन्होंने ईरान में भारत का राजदूत रहते भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सेटअप की जानकारी दी थी। उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार को आमंत्रित किया जो वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट था। अब दर्शकों इस बात को ध्यान में रखिएगा, उनकी सहमति के बाद अभी आपको एक और मैं अंतिम बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी जो पत्रकार था वो आईएसआई एजेंट था, वो यहां पर सूचनाएं जुटाने आया था। तो हामिद अंसारी के इस पूरे कृत्य पर कांग्रेस का क्या सोचना है, कांग्रेस को इस पर भी बताना चाहिए। कांग्रेस ने उस समय भी चुप्पी साधी थी और आज भी चुप्पी साधी हुई है। आप दर्शकों बताइए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, अंतिम अंश मैं आपको उपराष्ट्रपति का ही सुना रहा हूं, पहले आप वो भाषण का अंश सुनिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वन थिंग इज कॉमन, दे हैव रिफ्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू श्रीमद रामचंद्र जी। यू विल नेवर फाइंड अ पैरेलल इन हिस्ट्री that two great men recognized globally have understood the worth, significance, role, motivational force of Rajchandra ji. In the short video we had our Prime Minister reflecting about him. I was not looking at his words, I was looking at his body language. And father of the nation, Mahatma Gandhi, about whom Einstein said, future generations will find it very difficult to believe कि ऐसा आदमी इस प्लेनेट पर था। उन महात्मा गांधी जी ने रामचंद्र जी के बारे में जो कहा, that he mentored, gave me directional approach in adhyatma, that is the greatest challenge humanity now. आप लोगों ने सुना राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा और पहले के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने क्या किया। अब दोनों की तुलना में आप बताइए कि क्या देश के साथ गद्दारी है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।